हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है और एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप एक नया डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी और एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी, जिसमें अभी भी वैल्यू बाइंग बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तीनों स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और उन वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है हमारा लार्ज कैप की कैटेगरी में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं, ये SBI के क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करते हैं। क्रेडिट कार्ड आप में से हो सकता है SBI का कई लोग यूज़ कर रहे होंगे, और अगर कई लोग नहीं भी यूज़ कर रहे होंगे तो उनको इसके बारे में पता होगा। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। इनका मार्केट कैप्चर अगर क्रेडिट कार्ड में देखें तो काफ़ी अच्छा है, और इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स पिछले एक सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई है तब से अभी तक अगर देखें तो इसने लगभग 54% के रिटर्न बना के दिए हैं। कंपनी मार्च 2020 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद कोरोना क्रैश में इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग 500 रुपये तक चला गया है। ये शेयर बार बार अपना एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार रेजिस्टेंस खा जा रहा है। इसके पिछले बार के जो रिज़ल्ट आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि कंपनी ने कुछ घाटे ज़्यादा दिखा दिए थे, कंपनी प्रॉफिट में ही थी, लेकिन मार्केट को जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो जो रिज़ल्ट हैं वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उठे, और इस वजह से ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं भागा है। अभी भी इस शेयर प्राइस में वैल्यू बाइंग पॉसिबल है। अगर आप इसका एक साल का ट्रेंड लगा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं इसने, सिर्फ 24% के रिटर्न हुए हैं। निफ्टी के इस बुल रन में अभी तक इस शेयर ने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाए हैं। Q2 के रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे अक्टूबर के महीने से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इनके रिज़ल्ट्स अच्छे आए तो ये बहुत ही अच्छी रैली देगा। अगर इसमें एनालिस्ट की देखें तो लगभग 94% एनालिस्ट ने इस स्टॉक को सजेस्ट किया है कि करेंट प्राइस पे इसको बाई किया जा सकता है। आइए अब हम इसकी डिलीवरीज़ को देख लें। तो इसकी डिलीवरीज़ लगभग 61%, 52%, 46%, यानी ये हर बार लगभग 50-60% की हर दिनों में इसकी डिलीवरीज़ होती जा रही हैं। यानी कि लगभग आधे जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, आधे या आधे से ज़्यादा शेयर सीधे डीमैट अकाउंट में होल्डिंग के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा अगला शेयर मिड गैप की कैटेगरी से है। कंपनी का नाम है अल्काइल एमाइंस। दोस्तों, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो लगभग 55% है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में आप देखेंगे बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न रहा है। एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो इसने कुछ खास रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। उसका कारण था इनके Q1 के नंबर। इनके Q1 के नंबर बालाजी अमाइंस से अच्छे नहीं आए थे, बालाजी अमाइंस के थोड़े ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं ट्रीट किया और उनके शेयर्स में गिरावट आई है। लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसके रिजल्ट्स भी फिर से अभी Q2 के आने वाले हैं, और अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एक और बहुत ही अच्छी रैली, मुझे लगता है ये शेयर जो है तो 5,000 या 5,500 तक ये एक और रैली ज़रूर देगा। अगर हम इनके डिलीवरीज़ की बात करें तो देखिए, लोगों ने इसमें एक्यूमुलेशन जारी करके रखा हुआ है। लगभग 60% इसमें एक्यूमुलेशन हर दिन हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का ज़रूर अनुमान है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और ये अभी आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रही है। अगर पिछले एक साल में इस कंपनी का ट्रेंड देखा जाए तो ये कंपनी कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेशन का फेज़ आता है, फिर एक ब्रेकआउट होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, और फिर एक ब्रेकआउट होता है। अभी ये बार बार 4100 के ऊपर जो है एक हाई रेजिस्टेंस ये कंपनी झेल रही है। मुझे लगता है इनको बस एक पुश की ज़रूरत है। इनके Q2 के नंबर्स जैसे ही आएंगे और अगर अच्छे आते हैं तो इसमें फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा।
मेरा आज का अगला पिक है मुथूत फाइनेंस। ये भी एक लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये कंपनी लोगों को उनसे गोल्ड लेती है और उस गोल्ड के बेसिस पे उन लोगों को लोन देने का काम करती है। अगर इनके लोन किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो ये उन गोल्ड्स को बेच करके अपना पूरा पैसे की रिकवरी कर लेता है। तो कुल मिला के इनके बिज़नेस मॉडल बहुत ही अच्छे हैं। इस कंपनी में कोई भी डेंट नहीं होने वाला है, ना ही इनके बिज़नेस में कभी कोई ख़राबी आने वाली है। अब अगर ये इस तरीके की कंपनी आपको 100 रुपये सस्ते भाव पे मिल रही है तो क्यों ना लिया जाए। इसमें भी बहुत ही हाई एक्युमुलेशन चल रहा है, मैं आपको डिलीवरीज़ में आगे दिखाऊंगा कि इनकी क्या डिलीवरीज़ चल रही हैं। लेकिन अगर अभी इनके हाल फिलहाल के ट्रेंड की बात करें, ये शेयर अभी एक वीक में कुछ खास नहीं रनअप दिया हुआ है। मुझे लगता है कि करेंट प्राइस में इसकी बहुत ही अच्छी बाइंग प्राइस है, आप इसको बाई करके चलें। अगर आपको ये कभी 1500 या 1450 के आसपास मिल जाता है तो बिल्कुल दबोच लेना है, बहुत ही अच्छी इसमें एक्युमुलेशन करना है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और आगे ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। जो लोग इस कंपनी को होल्ड किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ख़राबी है, क्योंकि जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है आपको बोनस या स्प्लिट का भी एक बेनिफिट दे दे। अगर इनके डिलीवरीज़ की बात करें तो लगभग 30-40% के आसपास इनकी डिलीवरीज़ है, 55%। तो ये डिलीवरीज़ भी अच्छी डिलीवरीज़ हैं, 30% के ऊपर अच्छी डिलीवरीज़ मानी जाती है। इनके Q2 के नंबर आएंगे, मान के चलिए अगर Q2 के नंबर आते हैं तो फिर आपको वापस इसमें ख़रीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा और एक बहुत ही अच्छी रैली आप शायद मिस कर जाएं। तो दोस्तों, यहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक की ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और एक लाइक दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।